हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को पतली वाली सिल्क की फैब्रिक में साड़ी ड्रैपिंग सिखाऊंगी। और ये जो साड़ी ड्रैपिंग है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल है जिनको कि प्लीट्स बनाना नहीं आता या फिर जो साड़ी पहनने में बिगनर्स हैं। तो मैंने एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से यहाँ पे आपको डिटेल में बताई है। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज, यहाँ पे जो मैं साड़ी यूज़ कर रही हूँ ये सिल्क की फैब्रिक तो है ही, बट सिल्क में भी बहुत तरह की वैरायटीज़ आती हैं। तो ये थोड़ी सी स्लिपरी वाली सिल्क है जिसपे कि प्लीट्स बनाना और इनको अरेंज करना, टक करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है। तो जिनको भी वेयर करना नहीं आता उनको आज मैं बहुत डिटेल्स में बताने वाली हूँ। और साथ ही यहाँ पे जो साड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ इसकी लिंक मैं आपको दे नहीं पाऊँगी क्योंकि ये मैंने अपने घर की तरफ से ख़रीदी थी। तो चलिए अब आ जाते हैं साड़ी की ड्रैपिंग पे। तो सबसे पहले तो आपको ऊपर वाली जो बॉर्डर रहती है आपको जितना टक करना है उनको पहले ही आपको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इनको आपको राइट हैंड साइड से टक करना शुरू करना है। तो इस तरीके से ही आपको बिल्कुल नीटली और एकदम क्लीन तरीके से आपको इनको टक करना है। कहीं भी आपके आपका जो कमर के पास रहेगा वो टकिंग वो थोड़ा फूला हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इस टाइप की साड़ी में अगर आप कोई सा भी गलती करते हो तो वो दूर से ही दिख जाता है। अब आपको क्या करना है, जब आप एक क्लीन टकिंग कर लेते हो देन साड़ी को एक बार फिर से आपको घुमाकर और फिर सामने की साइड से पल्लू की साइड को आपको इस तरीके से पकड़ना है। अब जो बॉर्डर आपके लेफ्ट हैंड पे आएगी वहाँ से आपको प्लीट बनाना शुरू करना है। अब मेरी ये जो बॉर्डर आप देख रहे हो थोड़ी सी चौड़ी है, तो अगर मैं इसी चौड़ाई से प्लीट को यहाँ पे अरेंज करती हूँ तो मेरी एक जो यहाँ पे शोल्डर है वो पूरी तरीके से कवर हो जाएगी। इसलिए मैं इनको थोड़ा सा पतला ही रखूँगी और इस तरीके से मैं इनको यहाँ पर प्लीट्स में अरेंज करूँगी। प्लीट्स में अरेंज करने के लिए आपको दो उंगलियों को कैची की तरह इस्तेमाल करनी है। रेस्ट ऑफ उंगली आपकी प्लीट्स के चौड़ाई को मेंटेन करेंगी और उसके बाद आपको फैब्रिक को एक एक करके उन्हीं चौड़ाई में अरेंज करना है। तो ये चीज़ आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जैसे देख सकते हो पहली वाली बॉर्डर की डायरेक्शन यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो जो लास्ट में डायरेक्शन आएगी बॉर्डर की वो आपकी राइट साइड पे होगी। तो ये आपको देखना है कि आगे और पीछे की बॉर्डर की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट रहेगी। अब एक इनके टॉप पे आपको सेफ्टी पिन यूज़ करनी है ताकि आपके प्लीट जो रहे उनको अरेंज करने में आपके लिए आसान हो जाए। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक को आपको थोड़ा सा इस तरीके से झटक देना है ताकि सारी की सारी फैब्रिक थोड़ी सी फ्री हो जाए और यहाँ पे प्लीट्स को देखना, उनको अरेंज करना आपके लिए आसान हो जाए। तो इस तरीके से आपको प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको इनको अरेंज करना है क्योंकि एक बार में अगर आप इनको नीचे की साइड पे चाहोगे अरेंज करना तो यहाँ पे प्लीट्स जो रहेंगे वो थोड़ी सी आपकी आगे पीछे उनकी फैब्रिक दब जाती है जिससे कि आपके लिए ही उनको अरेंज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर आपको इनको अरेंज करना है और उसके बाद इनको थोड़ा सा अपने हाथों से आपको प्रेस करना है एंड देन एक सेफ्टी पिन आपको बीच बीच में यूज़ करते हुए जाना है ताकि कोई भी फैब्रिक आपकी साइड से हटेगी नहीं। तो अब आ जाते हैं पल्लू की लेंथ पे। तो अगर आप अपने अपीयरेंस को लंबी दिखाना चाहते हो तो आपको हमेशा पल्लू की लेंथ नीज़ से नीचे तक रखनी है और जब आपकी डिज़ायर लेंथ मिल जाती है देन आपको यहाँ पर अपने शोल्डर पे ब्लाउज़ के साथ इनको अटैच कर देना है और हमेशा आपको एक छोटी वाली सेफ्टी पिन ही यूज़ करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि अगर आप यहाँ पे इनको इस तरीके से ले जाओगे तो ये आपका ऊपर में इस तरीके से ये बॉर्डर आएगा जो कि आपके अपीयरेंस को बिल्कुल ख़राब कर देगा। तो इसलिए ये अच्छे तरीके से सेट रहे आपके फ्रंट पे, तो इसलिए यहाँ पे आपको बॉर्डर को थोड़ा सा एक छोटा सा यहाँ पे प्लीट में इनको अरेंज करना है। आप जैसे देख सकते हो इनको थोड़ा सा मैंने ऊपर की साइड पर लिफ्ट करते हुए छोटा सा प्लीट मैंने यहाँ पर बना लिया है। केवल सिंगल प्लीट ही आपको बनाना है और उसके बाद सारे प्लीट को बिल्कुल एज इट इज़ अरेंज करते हुए यहाँ पे एक और छोटी वाली सेफ्टी पिन यूज़ कर लेना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर ये बॉर्डर इस तरीके से फ्रंट से होते हुए पीछे की साइड आपकी घूमकर जाएगी तो ये आपकी फ्रंट पे इस तरीके से सेट हो जाएगा। तो इससे आपका लुक जो रहेगा साड़ी का लुक वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाएगा।
तो अब आपको क्या करना है कि बॉर्डर को इस तरीके से आपको घुमाते हुए अपने कमर के पास लाना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉर्डर रहेगी बिल्कुल टाइट आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम इन्हें सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे तो उसके बाद फिर आप सेफ्टी पिन से सिक्योर करने के बाद आप इनको फिर अरेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जितनी टाइट आ सके आपको इनको यहाँ पर टाइट करनी है। और इसी से आपके जो यहाँ पे लेफ़्ट लेग के पास जो कर्व आती है, कर्व वाली फिनिश आती है, वो इसी से आएगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल इनको टाइट करना है एंड देन एक बड़ी वाली सेफ्टी पिन सुई की तरह चलाते हुए इनको यहाँ पे सेट कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जितनी टाइट हो सकती थी मैंने इनको इस तरीके से टाइट कर लिया है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ये थोड़ा सा कर्व टाइप का आएगा जब यहाँ पे फ्रंट की प्लीट्स बन जाएगी। अब आपको फ्रंट की प्लीट्स कैसे बनानी है, अगर आप यहाँ पे फ्रंट की प्लीट्स बनाने में कोई भी गलती करते हो तो इससे इंटायर लुक आपका बिगड़ सकता है। तो इसलिए पहले फैब्रिक को आपको झटक लेना है ताकि कोई भी क्रीज पहले से ना बनी हो। उसके बाद थोड़ा सा आपको इस तरीके से इनको देखकर और उसके बाद आपको प्लीट्स बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे क्या करना, आप जैसे प्लीट बनाते हो आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हो, बट फैब्रिक को आप एक एक प्लीट बनाने के बाद थोड़ा सा आपको इस तरीके से झटकना है ताकि कोई भी क्रीज ना बने प्लीट्स के अलावा। और बिल्कुल एक क्लीन यहाँ पे प्लीट्स के सभी प्लीट्स जो रहें वो फ्रीली यहाँ पे सेट हो सके, अरेंज हो सके। तो जब इस तरीके से आपकी सारी प्लीट्स अरेंज हो जाती हैं तो उनको थोड़ा सा आपको झटकना है इस तरीके से ताकि नीचे तक ये फ्री हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में थोड़ी सी चौड़ी बॉर्डर है, तो इस तरीके से इनको प्लीट्स में अरेंज करना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जब मैंने सारे प्लीट्स को अरेंज कर लिया है तो नीचे में जो भी प्लीट्स आ रही हैं उनको मैं इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करूँगी और उसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से मोड़ती हुई जाऊँगी ताकि प्लीट्स जैसे हैं वैसे इनमें क्रीज आ जाएँ और सारे जो प्लीट्स रहे वो बिल्कुल क्लीन दिख सकें बाहर से। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा बॉर्डर जो नीचे की साइड है उनको ही पकड़ के मैं इनको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी ताकि ये सारे जो प्लीट्स हैं वो अपनी लाइनअप में ही रहें और कोई भी इधर उधर निकल ना सकें। तो अब जो पहली वाली प्लीट है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो आपके राइट साइड में भागती हुई ना दिखे। अब प्लीट्स में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक प्लीट्स में मैंने डिस्टेंस छोड़ा हुआ है और हर एक प्लीट जो है यहाँ पे वो बाहर से बिल्कुल यहाँ पे फ्री दिख रही है। तो अब एक सेफ्टी पिन से इनको सेट करते हुए मैं उसके बाद अपने बेली बटन के पास इनको टक कर दूंगी। अब जो ये बची हुई फैब्रिक है इसको मैं बिल्कुल पीछे की साइड से इस तरीके से घुमाऊँगी और इनको उसके बाद मैं यहाँ पर टक कर दूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी राइट साइड पे फैब्रिक बची हुई थी वो थोड़ी ज़्यादा बची हुई थी, अगर मैं उनको ऐसे ही टक कर देती तो वहाँ पे फूला फूला टाइप का आ जाता जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पे आपको इस तरीके से पीछे की साइड फैब्रिक ले जानी है और उसके बाद इनको टक कर देना है ताकि एक बिल्कुल नीट क्लीन लुक आ सके। अब जो यहाँ पे आपके फ्रंट की प्लीट्स थी इनको थोड़ा सा आपको इस तरीके से सेट करना होगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो ये आपका जो लुक होगा ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फ्रंट का ये जो आप लुक देख रहे हो वो सेफ्टी पिन की वजह से आई है जो कि हमने एक सिंगल प्लीट बना के उनको अरेंज किया था। तो ये आप देख सकते हो, अगर आप इस तरीके से साड़ी वेयर करते हो तो आपका बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा और इसका जो इंटायर फिनिश होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सो आई रियली होप कि आज की वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।